नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और सॉरी कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि बारिश होने की वजह से यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा था और वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाई। लेकिन आज वीडियो आ गई है और आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको रीडिंग सिखाऊंगी। अभी मैं आपको हिंदी इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि हिंदी बताने में क्या होता है, हमारा सारा फोकस रीडिंग पे नहीं हो पाता है। तो अभी आपको पहले उसे पढ़ना सीखना है। जब आप बुक को पढ़ना सीख जाएंगे फिर मैं आपको इसकी हिंदी की इंग्लिश की हिंदी समझाऊंगी, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, द टी एच ई को हमेशा दा पढ़िए, वैसे दी भी पढ़ा जाता है लेकिन आप नॉर्मली अभी दा याद रखिए, दा, क्योंकि टी एच को दा पढ़ते हैं ना। और उसके बाद सी आर, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रा, क, और ये रा, क रा, क्रा, इसको क्या पढ़ेंगे, ओ, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं, यानी कि क्रो क्रो क्रो। उसके बाद क्या ही है, ए न ड, ए को ए पढ़ा, एन को ना पढ़ा, डी को डा, यानी कि एंड। उसके बाद द, जे को जा पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं, जे, क, सी और के को का पढ़ते हैं, ए एल को अल पढ़ते हैं, जे कल, जे कल, जे कल, जे कल का मतलब होता है सिया, ठीक है। द क्रो एंड द जैकल, ठीक है। रोज सुबह 7 बजे एक क्लास आती है रीडिंग की, आप अच्छी रीडिंग के लिए आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। टी, आप देखिए इसको डी और ई को डी पढ़ेंगे क्योंकि हमेशा दो लेटर होते हैं ना, जैसे डी ई एच ई, तो हम ई को ई पढ़ते हैं, डिली। आप देखिए एल और वाई को हमने ली पढ़ा, डी ली, डिली। आप सी आई को सी पढ़ेंगे, डिली सी, और ओ यू एस को अस पढ़ते हैं, यानी कि डिलीसियस, 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 यानी कि स्वादिष्ट। अब इस तरीके से होता है तो कैसे पढ़ते हैं, देखिए कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है कि इस वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ना है तो ध्यान से सुनिए। अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए कभी भी डी को तो डा पढ़ते हैं यानी, लेकिन ओ और यू को ओ पढ़ेंगे, यानी कि डो, क्योंकि जी एच लास्ट में होता है तो उसे साइलेंट रखते हैं, यानी कि डो। डो का मतलब जैसे आटे का डो होता है उसको, हाँ, तो हमने क्या पढ़ा, डो, डो का मतलब होता है आटा, गूंदना होता है ना, आटे का डो वो कहते हैं। उसके बाद आर आई, यानी कि री न ग, रिंग, अब ऐसे लिख दे तो रिंग्स, यानी कि काफी सारी। द क्रो, क्रो। उसके बाद देखिए एस को हमेशा इस पढ़ते हैं ज्यादातर, टी को टा पढ़ेंगे और ई ए को ई पढ़ेंगे, यानी कि स्टील, स्टील। अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप बताइए, कैसे पढ़ते हैं आप, तो इसको देखिए क्या पढ़ेंगे, स्टील थिली, क्योंकि टी एच को था पढ़ा, आई को ई पढ़ा, एल को ला पढ़ा, और लास्ट वाले वाई को क्या पढ़ा हमने, ई पढ़ा, यानी कि स्टील थिली, स्टील थिली। यहाँ पर उसके बाद देखिए हम क्या पढ़ेंगे, सम, सॉरी होप, हम होप पढ़ते हैं ना, और लेकिन कभी भी ई डी अगर होप में जुड़ता है तो पी को डबल कर दिया जाता है, तो ये हो गया होप्ड, हॉप्ड। आप देखिए हॉप्ड क्यों, आप देखिए हॉप्ड इसलिए हुआ क्योंकि कभी भी ईडी से पहले पी होता है तो ईडी को टा पढ़ते हैं, यानी कि हॉप्ड, हॉप्ड। अगर आप इसको और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे जो कोचिंग नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं ताकि आपको एक एक डिटेल में अच्छे से सारे रूल्स बनाए जाए और लिख के आप उसे पढ़ सकें, यानी कि अगर आप कोचिंग करते हैं तो उसमें आपको सारे रूल्स ए टू जेड पता चल जाएंगे। तो आप इस नंबर पर कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आप जल्द ही इंग्लिश सीख जाएंगे। आप जैसे आप देख रहे हैं एंड स्टॉल, देखिए इस एस को इस पढ़ा, टी को टा पढ़ा, ओ को ओ पढ़ा, एल को ला पढ़ा, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ना, यानी कि स्टॉल आ डो, क्योंकि जी एस साइलेंट है और ओ यू को ओ पढ़ा, डो। उसके बाद आर आई, देखिए आर को हमने रा पढ़ा, आई एन जी को इंग पढ़ते हैं, रापी की मतलब री न ग, रिंग। एंड ए एन डी, यानी कि एंड, क्योंकि ए को ए पढ़ा, एंड को ना और डी पढ़ा, ओके। उसके बाद एफ को फा पढ़ा, एल को ला पढ़ा, ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ते हैं, यानी कि फ्लू, फ्लू। अ, देखिए कभी भी अगर बड़ी वर्ड मीनिंग में आपका अ होगा, आई मीन ए होगा, तो ए को आ पढ़ेंगे, और डब्ल्यू को वा, और ए वाई को ए, यानी कि अ वे, अवे। उसके बाद टी ओ को हमेशा टू पढ़ते हैं, अवे टू, आ फार। उसके बाद अवे ट्री, क्योंकि डबल ई को ई पढ़ते हैं, और टी आर को ट्र,
टॉपी की मदर ट्री, ठीक है, द क्रो, अभी ऊपर बताया था ना मैंने क्रो के बारे में, क्रो यानी कि कौआ। उसके बाद आपका इसको क्या बताया था मैंने, इसे थॉट, देखिए टी एच को था पढ़ा, ओ यू को ओ पढ़ा, टी को टा पढ़ा, कभी भी जी एच टी अगर साथ में होता है तो जी एच को नहीं पढ़ते, जी एच टी अगर साथ में होगा तो आपको जी को नहीं पढ़ना है, तो टी एच को था पढ़ा। वैसे तो कि ये दा पढ़ते हैं लेकिन कुछ जगह हम था भी पढ़ते हैं, तो था पे मतलब थो, और टी को हमने टा पढ़ा, जी एच साइलेंट है, तो थॉट यानी कि विचार। टू, उसके बाद आई और टी को ईट पढ़ते हैं, और ये एस और ई को से पढ़ा, एल को ला, एफ को पा यानी कि इट सेल्फ कोमा। उसके बाद एच को हा पढ़ा, ओ डब्ल्यू को आउ पढ़ते हैं यानी कि हा ऊ। उसके बाद स्टील, स्टील थाई, क्योंकि लास्ट में वाई होता है तो उसे आई ज्यादातर पढ़ा जाता है, लेकिन इसके रूल्स के लिए आप कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है। एम आई, ए एम को एम पढ़ा, और रात को 9 बजे भी हमारी स्पेलिंग क्लास होती है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल सा रात को 9 बजे क्लास देखनी है, आओ सीखे आज पे। आई कैन ईट दिस डो, रिंग विथ आउट, क्योंकि ओ यू टी को आउट पढ़ते हैं तो विथ आउट। एनी डिश, देखिए डी आई को डी पढ़ते हैं, एस को श पढ़ते हैं, डिश कभी भी डिश हमेशा डी आई एस होगा तो उसे डिश ही पढ़ना है। उसके बाद टी यू आर, कभी भी यू आर होगा तो उसको आर पढ़ेंगे, डिश टर। उसके बाद बी ए को बे पढ़ा, एन को ना पढ़ा, और इसको बैंस, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का मतलब होता है अशांति। उसके बाद एच को हा पढ़ेंगे, ई आर ई को एयर पढ़ते हैं यानी कि हा पे मतलब हे अर, लास्ट वाले ई को हम कभी भी नहीं पढ़ते यानी कि हेयर। उसके बाद आगे ले लेते हैं, यहाँ पर ए टी को एट पढ़ेंगे, क्योंकि ए शुरू और बीच में ए का साउंड करता है, छोटी वर्ड मीनिंग में शुरू में भी ए पढ़ा जाता है, एट डैट, ठीक है। वेरी, अब देखिए ई को ई पढ़ते हैं बीच में और लास्ट वाले वाई को भी ई पढ़ते हैं, तो वेरी, लेकिन हमेशा याद रखिए, देखिए ई को ई तो पढ़ते हैं लेकिन बीच में हम ए पढ़ेंगे, ठीक है, तो ई कब पढ़ते हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। वेरी, देखिए अब इसे क्या पढ़ेंगे, मोमेंट या मूवमेंट, वैसे तो हम ओ को ओ पढ़ते हैं लेकिन हमें यहाँ पर ऊ पढ़ना है यानी कि मूवमेंट, मूवमेंट, जैसे मूवमेंट का मतलब होता है जैसे पल, इसके ना हम अपने मूवमेंट याद कर रहे हैं, हम अपने पल याद कर रहे हैं, मूवमेंट अ जैकल। उसके बाद जैसे हम पढ़ते हैं ना हैप पिंड, क्योंकि हैप, उसके बाद ई और एन को क्या पढ़ा, इन, क्या पढ़ा हमने, इन, तो हैप पिंड, ठीक है। उसके बाद टू पास, इसको पेस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ए के बाद दो कॉन्सनेंट होते हैं तो ए को आ पढ़ा जाता है, जैसे डबल एस दो कॉन्सनेंट हो गए तो ए को बड़ा आ पढ़े, पास। डेट वे ही, अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, स्नेफी, या फिर आप बताइए आप कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए वैसे तो मैंने आपको ये बताया कि एस में इस पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जगह, ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ ही जगह ऐसा होता है कि हमारा जो एस होता है ना उसको सा पढ़ा जाता है, जैसे इसे क्या पढ़ेंगे, शनिफ्ट, सनिफ्ट, सनिफ्ट, इसे क्या पढ़ेंगे, सनिफ्ट। आप देखिए एफ के बाद अगर ईडी होता है तब भी हम ईडी को टा पढ़ते हैं, इसके लिए आपको ईडी के रूल सीखने होंगे, अगर आप चाहें तो कोचिंग के थ्रू भी सारे रूल जान सकते हैं, उससे आपकी रीडिंग और भी अच्छी हो जाएगी। एंड आप देखिए सी को का पढ़ा और ए यू को ओ पढ़ेंगे, टी को टा, क्योंकि मैंने बताया था जी एच सी, अगर जी एच टी साथ में होता है तो जी को नहीं पढ़ते, तो ये क्या हो गया, कॉट द, कॉट द, ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा। उसके बाद टू, इसे क्या पढ़ेंगे, टू पास, डेट वे ही सनिफ्ट एंड कॉट द, ये मैंने अभी पढ़ा दिया लेकिन एक बार और रिपीट करा दिया। अब देखिए वैसे तो सबसे ज्यादा हम एस को इसी पढ़ते हैं, इस मेल, ऑफ द डो, रिंग अप ऑन द ट्री, ही सो, ए डब्ल्यू को ओ पढ़ेंगे तो सो हो गया, शुरू में हमेशा एस को सा पढ़ते हैं, सो। द क्रो, अब देखिए ई आर को बड़ी वर्ड मीनिंग में हम आर ही पढ़ेंगे, छोटी में हम एक टाइम को
इसको अलग पढ़ सकते हैं, लेकिन बड़ी वर्ड मीनिंग में हमेशा आर पढ़ते हैं, जैसे पर चेस्ट, परचेस्ट, परचेस्ट। अब देखिए आप इसे ए पढ़ेंगे या ई पढ़ेंगे, तो अगर आप इसे मान लीजिए परचेस्ट पढ़ते हैं तो वो गलत है, क्योंकि देखिए इसे परचेस्ट पढ़ेंगे, परच परच। देखिए पर और सी एच को चा पढ़ा, ईडी को हमेशा ज्यादा से ज्यादा डा पढ़िए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप डा पढ़ेंगे, तो पर्च पर्च, क्योंकि ईडी तो आपका डा हो गया ना, जैसे हम इसे पर्च पढ़ेंगे, पर्च के बाद डा लगा दीजिए, पर्च पर्च। तो कभी भी ए मत पढ़िएगा ईडी को, हमेशा या तो वो ईड होता है या वो डा होता है या फिर डा होता है, सबसे ज्यादा आपको डा पढ़ना है। एंड अबाउट, क्योंकि शुरू में आप अभी बताया था मैंने अ बा और ओ यू टी को आउट, यानी कि अबाउट टू। अब देखिए ये वाली जो वर्ड मीनिंग है, थोड़ा सा आपको लगता है कैसे पढ़ना है, आप बताइए आप कैसा ही पढ़ते हैं इसे गलत, अभी मैं पढ़ के बताऊंगी फिर बताइएगा। तो देखिए एस ए को से पढ़ेंगे, वी को वा पढ़ेंगे, ओ यू आर को आर पढ़ते हैं, सेवर सेवर, द स्वीट। देखिए कुछ जगह आप इसे इस स्वीट नहीं स पढ़ेंगे, यानी कि सुवीट स्वीट। उसके बाद डो रिंग, क्या पढ़ेंगे इसे, डो रिंग आ प्लेन। आप देखिए इस ट्र, आप पता है इसको कैसे पढ़िए, आप इसको हटा दीजिए, आप सिर्फ इसे पढ़िए, ट्रक 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 पढ़ लिया, आप इसे इस पढ़ लीजिए, इस ट्रक ऐसे पढ़िए। अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो स्टार्टिंग वाला जो आपको पढ़ा नहीं जा रहा उसको हटा दो, और उसके पीछे का पढ़ के फिर स्टार्टिंग वाला अलग से पढ़ के, जैसे आपने इसको सिर्फ इस पढ़ लिया, अब इसको छोड़ दीजिए, अब इसको पढ़ेंगे तो इस ट्रक ऐसे पढ़िए, द जैकल। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, हे क्रॉस सिस्टर यू आर सच, क्योंकि यू को हम आ पढ़ते हैं, सच ऑफ ब्यूटी, वी क्योंकि ई ए को ई पढ़े और यू को यू पढ़े, वी यू टी लास्ट वाले वाई को भी ई पढ़े, ब्यूटी योर। देखिए अब इसे योर भी पढ़ सकते हैं, वाई को या ओ यू आर को और पढ़ते हैं, यानी कि योर भी पढ़ सकते हैं, बहुत से बच्चे से यू आर भी पढ़ते हैं। ब्लैक, बी एल को ब्ला, ए की मतलब ब्ले और सी के को का, यानी कि ब्लैक। उसके बाद एफ ई ए को फी पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पढ़ना है, तो अगर आप इसे फीदर पढ़ रहे हैं तो वो रॉन्ग है, क्योंकि देखिए टी एस से पहले अगर ई ए होता है तो ई ए को हम ए पढ़ते हैं कई जगह, तो आप इसे फे पढ़ेंगे, फे द, और ई आर को आर पढ़ते हैं हमेशा लास्ट में, फेदर्स फेदर्स, यानी कि पंखा होता है। एंड द क्यूट, क्योंकि यू के बाद अगर एक लेटर छोड़ के ई होता है तो यू को यू बोलते हैं, तो क्यूट लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, क्यूट। बीक, बी को ब पढ़ेंगे और ई ए को ई पढ़ते हैं, के को का, यानी कि बीक आर, ए आर को आर हमेशा पढ़ा जाता है, लास्ट वाले ई नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, ये वाली वर्ड मीनिंग आप लोगों को पढ़नी है, एक बार पढ़िए जरा फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इसे अच्छे से पढ़ेगा, बहुत मैं यहाँ पर बताऊंगी कि कौन ऐसे स्टूडेंट है, अगर हिंदी में लिखना आता तो हिंदी में लिख। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने इसे ब्रीथ पढ़ा तो रॉन्ग है, क्योंकि मैंने क्या बोला, टी एस से पहले अगर ई ए होता है तो ई ए को हम ए पढ़ते हैं, तो ब्रेथ हो गया, ब र बाद में रे, तो ब्रेथ, और टी ए को टे, की ग टेकिंग, ब्रेथ टेकिंग। उसके बाद द जैकल, जैकल क्योंकि ए एल को अल पढ़ते हैं, स्टार्ट, अब देखिए स्टार्ट हो गया, क्योंकि टी के बाद अगर ईडी होता है तो ईडी को हम क्या पढ़ते हैं, ईड पढ़ते हैं, तो स्टार्टेड स्टार्टेड, क्योंकि ड नहीं पढ़ना, क्योंकि टी के बाद ईडी को हमेशा ईड पढ़ा जाता है, तो स्टार्टेड। उसके बाद इसको कैसे पढ़ेंगे, फ्लैट रिंग, फ्लैट रिंग क्योंकि ई आर को आर पढ़ रहे हैं, ये हो गया हमारा फ्लैट, और उसके बाद रिंग हो गया फ्लैट रिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, द क्रो स्टार्टेड टू फैंट, क्योंकि ए आई को ए पढ़ते हैं, एन को ना और टी को टा, फैंट इन द फ्लैट ट्री, क्योंकि एफ एल को फ्ला पढ़ा, ए को ए पढ़ा फ्ले, और डबल टी को एक ही बार टा ही पढ़ना है, और ई आर को आर पढ़ते हैं, लास्ट वाले वाई को ई पढ़ा, फ्लैट री फ्लैट ट्री फ्लैट ट्री। द जैकल एडिड, क्योंकि देखिए कभी भी टी के बाद ईडी आएगा तब भी इसे ईट पढ़ेंगे, और डी के बाद आएगा तब भी इसे ईट पढ़ेंगे, एडिड एडिड। उसके बाद यहां पर देखिए, ओ आई लव
टू ईयर, ई आर, ई ए आर को ईयर पढ़ते, तो ही हो गया क्योंकि ई की मात्रा लगी, ही और हियर, आई लव यू टू हियर, हियर यानी कि सुनना, योर वॉइस, योर वॉइस, यू आर नहीं, योर वॉइस, क्योंकि ओ यू को ओ पढ़ते तो योर वॉइस, ठीक है, ओ आई को ओ ही पढ़ते, तो वो ई सु, लास्ट वाले को नहीं पढ़ा, यानी कि उसने क्या था उसकी मतलब वो बोला कि मुझे आवाज सुनना पसंद है, ठीक है। अभी मैं इसको हिंदी में अच्छे से नहीं बता रही क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ रीडिंग पे होना चाहिए, इसलिए द क्रो ओपन्ड, ओपन्ड क्योंकि ईडी को वैसे तो नॉर्मली डाय पढ़ते हैं, तो ओपन्ड हर माउथ, ओ यू को आओ पढ़े माउथ, माउथ टू सिंग, बट आप देखिए इसे आप आल्स पढ़ेंगे, एल्स पढ़ेंगे, बताइए आप इसे क्या पढ़ते हैं या आल्स पढ़ते हैं, तो आप भी इसको एक बार पढ़िए क्योंकि देखिए मैं चाहती हूँ आपको भी पता होना चाहिए आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे अलास, अलास, अलास का मतलब होता है हाय, द डो रिंग फेल डाउन, क्योंकि ओ डब्ल्यू को भी हम आउ पढ़ते हैं यानी कि डाउन, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट लाइन है हमारी, एंड द जैकल एट इट ऑल, ए डबल एल को ऑल पढ़ते हैं, ऑल एंड लेफ्ट द प्लेस। सॉरी आपकी वीडियो बहुत लंबी हो गई क्योंकि अगर हम किसी स्टूडेंट को अच्छे से सिखा रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, और ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि रीडिंग आपको 100% पढ़ना सिखाएगी, क्योंकि हम लोग जब बुक पढ़ते हैं तभी तो हमें समझ में आता है कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन कोई टीचर ऐसा हो जो हमें बताए तो ही हम सीख पाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको रीडिंग स्टार्ट करी है ताकि आप अपनी गलतियों को पकड़ के समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा ताकि आप आगे भी सीख सकें। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ क्योंकि आपको एक साथ इतनी बड़ी वीडियो देखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। इज, अगर अकेला ए होगा तो उसको आ पढ़ेंगे, आ फे, आप देखिए एफ और ए को हमने फे पढ़ा क्योंकि ए को ए पढ़ते हैं, तो फे, तो ये क्या हो गया, इसको हम पढ़ेंगे फे म, और ओ यू एस को अस पढ़ते हैं यानी कि फे म सु, फेमस, फेमस, फेमस। उसके बाद हमेशा एस अगर शुरू में होता है तो एस को हम इस पढ़ते हैं, इस ट, टी को टा पढ़ा, इस ट, रा पे को अंदर रो, इस टो, और आर को रा पढ़ा, लास्ट वाले वाई को ई पढ़ा यानी कि स्टोरी, क्या पढ़ा, स्टोरी। तो इसको एक बार ध्यान से देखिए, स्टोरी, टी एच को दा पढ़ेंगे, दा पे एक में दा, डेट, डेट, एच को हा पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं, एस को सा, देखिए हैज, अफसानी पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में जा पढ़ते हैं यानी कि हैज। उसके बाद बी को बा पढ़ेंगे, डबल ई को ई पढ़ेंगे, एन को ना यानी कि वीन, हैज वीन। अब से मैं सिर्फ आपको इसी तरीके से पढ़ना सिखाऊंगी जब तक आपकी रीडिंग अच्छी नहीं हो जाती है, यानी कि कम से कम जब तक आपकी 100 रीडिंग चैप्टर नहीं हो जाते हैं जब तक मैं आपको पढ़ना ही सिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेट सिखाऊंगी। टी को टा पढ़ते हैं, ओ को यानी कि टोल, ल, एल को ला पढ़ा, डी को डा, टोल्ड। उसके बाद एफ ओ, थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, हाँ, एफ को फ पढ़ा, ओ को आर को, वैसे तो देखिए और को आर पढ़ते हैं, ओ आर को आर पढ़ते हैं यानी कि आर, लेकिन छोटी वर्ड मीनिंग में और पढ़ते हैं यानी कि ओ को और आर को रा पढ़ेंगे। फोर, शुरू में वाई को यहाँ पढ़ते हैं और ई ए आर को ई आर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक मतलब ईयर, ईयर्स, ईयर्स, वैसे तो हम ईयर्स बोलते हैं लेकिन आप ईयर्स सही साउंड है, ईयर्स या ईयर्स बोल सकते हैं। ए एन डी को एंड पढ़ेंगे, तो इसे ईयर्स यानी कि साल। इट, आई को ई पढ़ा, टी को टा पढ़ा, इट इज। अब ए को बड़ी वर्ड मीनिंग में शुरू में आ पढ़ते हैं, आ, बी को बा पढ़ा और ओ यू को आउ पढ़ते हैं, टी को टाउ यानी कि अबाउट, 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 जैसे आउट पढ़ते हैं ना उस तरीके से। आ क्रो, सी आर को क्र और ओ डब्ल्यू को ओ यानी कि क्रो। टी एच, ए को हम क्या पढ़ेंगे, टी एच को दा पढ़ेंगे, दा पे बंद, डेट, डेट। उसके बाद डब्ल्यू को वा, ए को ओ, एस को स, डेट वॉज। अब बॉस नहीं पढ़ेंगे, बॉस पढ़ेंगे क्योंकि एस को लास्ट में क्या पढ़ते हैं हम, जा पढ़ते हैं, तो
तो आप ये चीज याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर आपका एस लास्ट में होगा तो आपको उसको जा पढ़ना है, ठीक है। तो वो यहां तक हो गया। उसके बाद सी एच को चा पढ़ेंगे और आपका ई और ए को क्या पढ़ेंगे, ई की माता ची, ये ची हो गया, उसको क्या पढ़ेंगे, टी को टा पढ़ा। और अगर कभी भी टी के बाद ईडी होता है तो ईडी को इड पढ़ते हैं, यानी कि ची टापी की माता टीड, चीटिड, क्योंकि ईडी को हमने इड पढ़ा तो ई की माता टी पे लग गई तो ची टीड हो गया ना। उसके बाद द वे, डब्ल्यू को व पढ़ा, ए वाई को ए पढ़ा, यानी कि वे ही चीटिड। आप देखिए कभी भी एस ओ एम ई होगा तो उसको हमेशा सम पड़ेगा, सम वन, और ओ एन ई को हमेशा वन पड़ेगा, तो सम वन। उसके बाद ई को ए पढ़ेंगे, एल को ला पढ़ेंगे, एस को सा पढ़ेंगे, एल्स लास्ट वाली को नहीं पढ़ेंगे, ए एन को एन पढ़ते हैं, एल्स एन, ओ को ओ पढ़ेंगे, एल को ला और डी को डा, यानी कि ओल्ड। उसके बाद एल को ला पढ़ेंगे, ए को ए, डी को डा, और लास्ट वाले वाई को ई पढ़ते हैं, यानी कि ले डी, लेडी। वॉज, उसके बाद एस को सा पढ़ा, ई को ए पढ़ते हैं बीच में, याद रखिएगा, और डबल एल को सिर्फ ला पढ़ेंगे, सेल, सेल पढ़ते हैं ना, और आई एन जी को इंग पढ़ते हैं, जैसे आई को ई पढ़ा, एन को ना पढ़ा, जी को क्या पढ़ा, गा पढ़ा, सेलिंग, सेलिंग। मैंने बताया था कि कभी भी एस ओ एम ई होगा तो इसे हम सम पढ़ेंगे, सम। उसके बाद इस तरीके की वर्ड मीनिंग होती है तो हम बड़े कंफ्यूज में रहते हैं कि कैसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे बताइए।